पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रोजाना नई नई कड़ियों के जुड़ने से जांच में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई के एक साथी बलदेव की कड़ी भी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़ रही है। लुधियाना में पकड़े गए लॉरेंस बिश्नोई के क्लासमेट के तफ्तीश से मालूम चला है कि आरोपी बलदेव चौधरी को हथियार पटियाला के रहने वाले जसकरण ने सौंपे थे। जसकरण कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, उसे बलदेव चौधरी तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सौंपी थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही बलदेव चौधरी को हथियार सप्लाई करने वाले एक आरोपी को लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। CIA 2 की टीम इस मामले की जांच में जुटी थी कि बलदेव चौधरी के पास हथियार कहां से पहुंचे। जब जांच की गई तो एक अन्य आरोपी को इस मामले में काबू किया गया, जिसकी पहचान पटियाला के भादसो इलाके में रहने वाले जसकरण सिंह उर्फ करण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया और पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। CIA 2 स्टाफ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मालूम चला है कि कुछ समय पहले पुलिस ने बलदेव चौधरी उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए थे और इस मामले में चौधरी का एक साथी अंकित शर्मा भी गिरफ्तार हुआ था। और इन दोनों से हुई पूछताछ के दौरान ये मालूम चला था कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नजदीकी और सहपाठी है और लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में भी है। इतना ही नहीं, जेल से भी लॉरेंस और बलदेव चौधरी आपस में संपर्क में थे। इसके बाद पुलिस जांच में जुटी, आरोपी के पास हथियार कहां से आए। जांच में मालूम चला कि आरोपी बलदेव चौधरी को हथियार पटियाला के रहने वाले जसकरण ने सौंपे थे। वैसे आपको एक बार फिर से बता दें, जसकरण कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी रह चुका है, उसे बलदेव चौधरी तक हथियार पहुंचाने जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सौंपी थी। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि जिसने हथियार पहुंचाया था उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया। पुलिस ये भी जांच करने में जुटी है कि आरोपी गोल्डी बराड़ के संपर्क में कैसे आया और हथियार सप्लाई करने के लिए बलदेव चौधरी और जसकरण एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि बलदेव, अंकित, जसकरण, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की आपसी सांठगांठ आखिर है क्या। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियारों की रिकवरी और इस मामले की पूरी साजिश पर जल्द से जल्द पर्दा उठाने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों के अधिकारी लीड्स पर रात दिन काम कर रहे हैं। पकड़े गए उपरोक्त अपराधियों को भी इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। पकड़े गए जसकरण से पुलिस टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल देखना अहम होगा कि जसकरण से क्या कुछ नए खुलासे होते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।